अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स और कैंपेन को किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो ये देखें, चूज योर ऑब्जेक्टिव इसमें आपने करना होता है, सेटअप करना होता है हमने गूगल एडवर्ड्स कैंपेन का, गूगल एड्स अकाउंट का सेटअप वगैरह। इसमें देखें काफ़ी सारे जो हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस है, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जिसको आप चूज वगैरह करके कंपेन को ऐड कर सकते हैं, एड कंपेन को रन वगैरह कर सकते हैं। देखिए सेल्स है, अगर आप कोई चीज़ वगैरह लेबल वगैरह साथ लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल शॉपिंग वगैरह वो लगा सकते हैं। लीड्स है, लीड्स जनरेशन में आ जाती हैं, जिसमें आप एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस वगैरह ग्रो वगैरह। वेबसाइट ट्रैफिक है, वेबसाइट ट्रैफिक है ये कि जितनी ऑडियंस वगैरह आपके पेज पर रीच कर रही है वो सारी वेबसाइट ट्रैफिक में आ जाती है। प्रोडक्ट है आपका, ब्रांड है यहाँ पे, कंसिडरेशन वगैरह जिसमें आप जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, और एनकरेज वगैरह कर रहे हैं अपने लोगों वगैरह को, मुतासर कर रहे हैं, इंप्रेशन वगैरह। ये ब्रांड अवेयरनेस है कि तो ब्रांड वगैरह को आपको जो है वो एड वगैरह लगाना चाह रहे हैं, एड कंपेन वगैरह, ऐप प्रमोशन करना चाह रहे हैं। लोकल स्टोर है आपका कोई जिसमें आप लोकेशन वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो क्रिएट अ कंपेन वगैरह लगाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें हम जो है वो सेलेक्ट वगैरह कर लेते हैं कोई भी, अगर आप सेल वगैरह करना चाहते हैं, अगर आप इनके अलावा कोई और चीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं खुद से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विद आउट अ कंपेन, तो यहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट वगैरह को और खुद में जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह ऐड कर सकते हैं। जिसमें जिस तरह मैं यहाँ पे सेल्स वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने करना होता है सेलेक्ट अ कंपेन टाइप। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्चर होगा या कोई सर्च वगैरह कर रहा होगा, ऊपर जैसे ही कंपेन में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दराज ऑनलाइन शॉपिंग लिख लेते हैं। ये देखें जैसे मैंने दराज ऑनलाइन शॉपिंग लिखा है, तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो यहाँ पे वेबसाइट का लिखा गया www.draz.pk। तो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा होता है एड्स, तो जिस तरह आप एड कंपेन वगैरह कर रहे होते हैं, एड वगैरह एड्स वगैरह को चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं गूगल के जरिए, और पर क्लिक जो है वो गूगल को आप पे कर रहे होते हैं, इसके आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट वगैरह की। इसमें क्या, जिसने ये सर्च वगैरह किया था और परफॉर्मेंस मैक्स है यहाँ पे, डिस्प्ले अगर करना चाहते हैं कोई चीज़ वगैरह को, डिस्कवरी है यहाँ पे, शॉपिंग आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें जो है वो ऐड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जरा, हम जो है वो यहाँ पे सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्च सेलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं कि सेलेक्ट द वेज यू डोंट लाइक टू रीच योर गोल। हम जो है वो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो हमारा गोल क्या है, वेबसाइट विजिट हम करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, स्टोर विजिट करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड्स हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट विजिट वगैरह, तो यहाँ पे आप वेबसाइट का नेम वगैरह लिख सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल्स क्लिक करते हैं या ऐप स्टोर वगैरह, वो भी आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ट्रैकिंग, इसका मतलब ये है कि गूगल जो है वो ट्रैक वगैरह कर रहा है अपने लोगों वगैरह को, जिससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इससे आपका बिजनेस वगैरह रन हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, रैंक हो रहा है आपकी, तो ये सारा जो है वो स्टैट ट्रैकिंग वगैरह हो रही होती है आपकी। और हर बंदा जो है वो गूगल यूज़र है, आपको पता है कि हर बंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह कर रहा है, तो जैसे वो ब्रांड या कोई प्रोडक्ट आपकी सर्च करेगा तो गूगल का ऐड जो है वो शो हो रहा होगा। इस तरीके से गूगल जो है वो ट्रैक कर रहा होता है सेल्स की एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रोडक्ट वगैरह की। इसे आप जो है वो स्टार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, तो जैसे मैंने लिखा है क्रिएट पे, तो क्रिएट के पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है टू स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जेंस यू विल नीड टू इंस्टॉल द ट्रैकिंग कोड ऑन योर वेबसाइट। यहाँ जो है वो इंस्टॉलिंग ऑप्शंस है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और यहाँ पे जो है वो रन करना पड़ता है अपनी गूगल कंपेन में। यहाँ पे जो है वो सर्च में आप जो है वो क्या लिखना चाहते हैं, मैं लिख लेता हूँ सीओ एसईओ स्टॉप शॉप लिख लेता हूँ मैं, ये लिख लिया। जैसे मैंने सर्च किया एग्जांपल मैंने आपको बताई है गूगल में मैंने सर्च किया दराज, तो दराज है, जैसे हम कंपेन का नेम लिखे या सीओ स्टॉप लोग जो है वो सर्च करेंगे तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिंपल फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिडिंग। बिडिंग में ये होता है कि आपकी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस वगैरह होती है और इसमें जो है वो सेलेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं अपना बजट, पर क्लिक वगैरह एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है।
इसमें क्या कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है, क्लिक्स है, इंप्रेशन शेयर है, जिस तरह मैंने आपको कहा कोई आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लिमिट आप लगा सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, जितनी आप लगाना चाह रहे हैं, सेट करना है अपने बजट वगैरह। तो इसको हम कहते हैं बिडिंग। बिडिंग में ये होता है कि जितनी गूगल एडवर्टाइजमेंट पे पर क्लिक किया लोगों ने, इंप्रेशन वगैरह दिए हैं, वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह अच्छा है और बिहेवियर उनका अच्छा है, तो ये सारा जो है वो बिडिंग में आता है। इसके बाद आपने सिंपल जो है वो सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे कितनी बिडिंग आप लगाना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक्स किया सिंपल जो है वो यहाँ पे आना आपने। अब यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क्स जो है वो सिलेक्ट किए थे, सर्च नेटवर्क किया था और डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले होगा हमारी एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से। इसमें आता है लोकेशन, आप जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को किस लोकेशन पर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, कि हमारा कोई ब्रांड अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज में भी जो है वो शो हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पाकिस्तान, अगर जो है वो एंटर कर सकते हैं लोकेशन वगैरह को, जिस तरह मैं यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर इंडिया के अलावा जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीच वगैरह, ये देखें सारा जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया पॉपुलेशन वगैरह में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके अलावा जो है वो दुबई लिख लेता हूँ मैं, ये देखें जरा। इस तरीके से आपने कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करने के बाद जो है और टारगेट पे आपने आना, टारगेट पे लिखा हुआ है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जो लोगों का जो है वो इंटरवे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कितना होगा आपकी प्रोडक्ट वगैरह के, जो आप टारगेट कर रहे हैं लोकेशंस वगैरह को वो आप लगा सकते हैं, ये देखें इन रेगुलर टारगेट लोकेशंस लगा सकते हैं, पीपल शेयरिंग योर टारगेट लोकेशंस लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है वो टारगेट की लोकेशंस या वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कस्टमर वगैरह का वो ऐड करना है। एक्सक्लूड है यहाँ पे लोकेशंस वगैरह को आप एक्सक्लूड वगैरह कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, इस तरीके से आप जो है वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद मेन चीज़ है यहाँ पे कि लैंग्वेज, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंग्लिश के अलावा जो है आप समझते हैं कि हमारी जो है वो उर्दू में भी है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उर्दू जुबान में भी है, ये देखें सिलेक्ट हो गई यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हिंदी में भी है, इंडिया में भी चले या पाकिस्तान में भी समझ लोग समझें, वो भी आप लगा सकते हैं, ये देखें ज़रा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ऑल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो आते हैं हम ऑडियंस सेगमेंट्स में, इसमें क्या होता है कि सिलेक्ट करनी होती है अपनी ऑडियंस सेगमेंट वगैरह और कंपेन को जो है वो ऐड वगैरह कर देते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं सेगमेंट को यहाँ से, यहाँ से ब्राउजर है, ये देखिए सारी जो है वो हैबिट्स वगैरह जो बताया हुआ, वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, हर चीज़ ऑडियंस के सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, टारगेट रिकमेंडेशन है, ये आप चीज़ें वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर सेटिंग पे आपने आना है, मोर सेटिंग में क्या है, एड रोटेशन है, ऑप्टिमाइज यहाँ पे एडिट वगैरह आप कर सकते हैं, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, ये हमारी एड कंपेन जो है वो किस डेट को स्टार्ट हुई, किस यहाँ पर जो है वो ख़त्म हुई, वो आपने यहाँ से एडिट करनी है। शेड्यूल आपने सिलेक्ट करना है, शेड्यूल में ये डेट टाइम मैंशन वगैरह करना होता है कि हमारी डेट का ये वन मंथ है या वन वीकली है, वो आपने सिलेक्ट करनी होती है। कंपेन का यूआरएल लिंक वेबसाइट का, जिस तरह मैंने एसईओ स्टॉप शॉप डाला था और वेबसाइट का कंपेन रन करनी है, उसका यूआरएल लिंक ऐड करना है। डायनामिक सर्च एड सेटिंग करनी होती है, जिसमें आप ऑटोमेटिक जो है वो सर्च टारगेट कर रहे होते हैं कस्टमर वगैरह को, कस्टमाइज करना है हेडलाइंस बेस्ड ऑन यू, इस तरीके से आप जो है वो यहाँ मोर सेटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज जो है वो सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या है यहाँ पे जो है वो कीवर्ड सजेशन है, जिस तरह मैंने एंटर किया, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं वो आपने अपडेट वगैरह करनी है यहाँ से, ये आप कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आप कीवर्ड्स वगैरह लिखना चाहते हैं वो आप जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा क्या है, एड्स है, एड्स की स्ट्रेंथ जो है वो इनकम्प्लीट है, आपने जो है वो फाइनल यूआरएल लिखना होता है, यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करना होता है पैच वगैरह, ये देखें जरा
यहाँ पे साथ साथ शो हो रहा है टिप टॉप सॉफ्टवेयर, हेडलाइंस वगैरह, इंक्लूड कीवर्ड्स, मेक हेडलाइंस, व्यू आइडियाज आप लिख सकते हैं यहाँ से, मोबाइल या डेस्कटॉप से करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हेडलाइंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह। इसके अलावा क्या है, ये देखें हेडलाइंस है यहाँ पे, कोई ऐड करना चाहते हैं टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं, जितनी आप डिस्क्रिप्शन है अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक और जो है वो यहाँ पे साइट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन की साइट लिंक्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं, कॉल आउट्स है, ये देखें प्रमोशंस हैं, ऐप प्रमोशंस है, प्राइसेस है, कॉल्स है, स्ट्रक्चर्ड है, स्नैपीट्स है, काफी सारी चीजें हैं, ऐड यूआरएल लिंक लगा सकते हैं ट्रैकिंग का, उसमें जो है ट्रैक वगैरह लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ऐड वगैरह करना होता है और सिंपल जो है वो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है, यहाँ से जो है वो बजट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो डिटेल के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।